अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इंडियाज़ बेस्ट ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया जा रहा है। ये अवार्ड ऐसे सोशल एक्टिविस्ट को दिया जा रहा है जो अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस कामकाज को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए ऐसे मखलूक को बेनिफिट दे रहे हैं, ऐसे आम पब्लिक को बेनिफिट दे रहे हैं सोशल काम करके, जिन्हें कोई देख नहीं रहा है। आज आपसे मिलवाते हैं हमारे मोहम्मद सैयद साहब से, जो तालतला में काफ़ी मशहूर सोशल एक्टिविस्ट है। और ये लॉकडाउन में पूरे 2.5 महीना जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, बेहिसाब काम किए, राशन डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के पूरे मोहल्ला को सैनिटाइज करना सारा कुछ। तो ये सौरव सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए गर्व की बात है कि आज ऐसे शख्सियत को एक छोटी सी भेंट दे करके, एक छोटी सी पहल कर करके इनको नवाजा जा रहा है। मैं चाहूँगा कि दो शब्द आप सबके सामने सैयद साहब की रखें। लॉकडाउन एक ऐसा हालात था पूरा दुनिया का, जिसमें हमको सारे काम करना पड़ा, इसलिए कि हर घर मजबूत है, यहाँ पर कोई करने वाला नहीं था, जिसके लिए हमको करना पड़ा मैदान में। होता है कि हम लोग बाखूबी काम को अंजाम दिए, सैनिटाइजर से लेकर राशन तक, मतलब बाजार तक हम लोग काम कर, यहाँ तक एक परिवार में ईद का टाइम में भी पूरा हम लोग कपड़ा लगता सब दिए, हर घर डोर टू डोर जाकर। बहुत खूब, अल्लाह का शुक्र है।